जय हिंद फ्रेंड्स। चुपके से सिसकियां भरी और निकल गया काम पर। वो मर्द था ना, उसे रोने की इजाजत नहीं थी। शुरू से हम लोगों के माइंड में ये सेट है कि पुरुष मर्द स्ट्रांग होते हैं, बोल्ड होते हैं, उनके इमोशंस नहीं होते। हम अपनी सारी भड़ास उनपे निकालते हैं, खरी खोटी उन्हें सुनाते हैं। पर एक बात बोलूं, उनके पास भी दिल है, उनको भी तकलीफ होती है, उनके भी इमोशंस है और वो भी रोते हैं। हमारे लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं। हम आज की चिंता करते हैं, वो हमारा भविष्य संवारने की सोचते हैं। हम आज खाना क्या बनाना है वो सोचते हैं, वो भविष्य में थाली कैसी भरी रहे वो सोचते हैं। हम हमारे बच्चे को आज क्लास में पढ़ाते हैं, वो उसकी हायर स्टडीज की चिंता करते हैं। अपने पति का, जीवन साथी का सपोर्ट करें। माना जीवन में बहुत तकलीफें हैं, बहुत संघर्ष हैं, लेकिन एक वादा करिए कि आप अपने पति की परेशानी का कारण कभी नहीं बनेंगे। हर मोड़ पे उनका सहारा बनेंगे, हर मोड़ पे उनका सपोर्ट करेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स। चुपके से सिसकियां भरी और निकल गया काम पर। वो मर्द था ना, उसे रोने की इजाजत नहीं थी। शुरू से हम लोगों के माइंड में ये सेट है कि पुरुष मर्द स्ट्रांग होते हैं, बोल्ड होते हैं, उनके इमोशंस नहीं होते। हम अपनी सारी भड़ास उनपे निकालते हैं, खरी खोटी उन्हें सुनाते हैं। पर एक बात बोलूं, उनके पास भी दिल है, उनको भी तकलीफ होती है, उनके भी इमोशंस है और वो भी रोते हैं। हमारे लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं। हम आज की चिंता करते हैं, वो हमारा भविष्य संवारने की सोचते हैं। हम आज खाना क्या बनाना है वो सोचते हैं, वो भविष्य में थाली कैसी भरी रहे वो सोचते हैं। हम हमारे बच्चे को आज क्लास में पढ़ाते हैं, वो उसकी हायर स्टडीज की चिंता करते हैं। अपने पति का, जीवन साथी का सपोर्ट करें। माना जीवन में बहुत तकलीफें हैं, बहुत संघर्ष हैं, लेकिन एक वादा करिए कि आप अपने पति की परेशानी का कारण कभी नहीं बनेंगे। हर मोड़ पे उनका सहारा बनेंगे, हर मोड़ पे उनका सपोर्ट करेंगे।